जीडीपी पाताल में, महंगाई आसमान में। 2014 से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तब मामूली सी महंगाई बढ़ने पर, मामूली जीडीपी गिरने पर संसद से लेकर सड़क हंगामा करती थी। मोदी सरकार और उसके अंध भक्तों के लिए कांग्रेस सरकार में जो महंगाई डायन थी वो अब डार्लिंग हो गई है। सरकार अपने बचाव में कुतर्क और देश को गुमराह करने पर तली हुई है। जीडीपी का आंकड़ा आया, अब से महंगाई के नए दौर के लिए तैयार हो जाइए। सरकार अपने हिस्से वाली हर चीज की कीमत बढ़ाएगी ही। फिर सरकार की नजर होगी रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड पर। ढहती अर्थव्यवस्था के बहाने वो निकाले जाएंगे, फर्जी पैकेज घोषित होंगे, मिलेगा कॉरपोरेट को, अब भक्त टैक्स नहीं देने को कोसेंगे। दही अर्थव्यवस्था का ठीकरा तो फूटा कोरोना के माथे, और कोरोना का ठीकरा तलाश जारी है सुदृढ़ सिर की। आप टोकेंगे तो तब वो कहेगा हाँ, मात्र 6% लोग इनकम टैक्स देते हैं। अंधभक्त कभी ये नहीं कहेंगे कि देश की 135 करोड़ जनता विभिन्न प्रकार की ढेरों टैक्स देती है। फिर जनता को मुफ्तखोर बताया जाएगा, कहा जाएगा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, ये खर्च वो खर्च, लुटेरी सरकार देश को लूट रही है, जनता लाचार और बेबस है। नागपुरी संतरे महंगाई का बचाव करने के लिए हर बार देश को गुमराह करने के लिए नए नए ढोंग कर रहे हैं।